हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए एक नई न्यूज़ लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम जो नई शिक्षा नीति आई है, देश में नई शिक्षा नीति आई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ उसमें चेंजेस होंगे और क्या कुछ उसमें क्या है उसमें बदलाव आए हैं, किस तरह से उसमें बदलाव लाए गए हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आपको क्या है इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आपको जो भी छोटे बच्चे हैं, मान लो जो आपसे 10th 12th तक के बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उनको आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आज का लेक्चर, ये आज आपकी वीडियो है, वीडियो लेक्चर नहीं है, आज हम लेक्चर से हट करके कुछ नया लेकर आए हैं आपके लिए। आपको इस तरह की चीज़ें जो न्यूज़ होंगी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, ये न्यूज़ आपको हम डेली होगी तो डेली, वरना अगर एक दो दिन में जैसे भी न्यूज़ आएगी, आपको इस तरह से कोई भी न्यूज़ होगी जो आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है या किसी भी तरह से आपके नॉर्मल जीवन से इंपॉर्टेंट रखती है, तो उनके लिए हम हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो सबसे पहली हेडलाइन हमारे सामने दिख रही है, तो हेडलाइन में क्या दिख रहा है, हेडलाइन में इन्होंने कहा है कि 34 साल के बाद बदली है देश की शिक्षा नीति। तो जो शिक्षा नीति यानी एजुकेशन जो पॉलिसी है वो बदली है। जो 10th+2 का फॉर्मूला था, अभी तक क्या था कि हमारा जो 10th तक 10th बोर्ड होता था और 12th बोर्ड होता था, तो वहाँ 10th से नीचे सारा एक पैटर्न था और 10th के बाद 10th+2 का जो पैटर्न था वो अलग था। अभी क्या करते हैं, इन्होंने पैटर्न को बदल करके 5+3+3+4 का पैटर्न हो गया है। इसकी इन्होंने अभी इस बेस पैटर्न पे बेस पे पढ़ाई होगी। इसमें क्या कहा गया है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं एक बार, इसको बाद में फिर हम डिटेल में एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहला मेन पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, 5वीं तक मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई करेंगे बच्चे। यानी कि अब आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इंग्लिश में या हिंदी में भाषा में क्या है आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी आपकी जो मातृभाषा है वहाँ, और उसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में क्या है उसमें भी बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। तो इसके साथ साथ जो साइंस और आर्ट्स संकाय हैं, अब उनमें क्या होगा, अंतर नहीं होगा। यानी कि जो साइंस स्ट्रीम होगी, आर्ट्स स्ट्रीम होगी, उनमें अभी कोई फ़र्क नहीं होगा। साइंस का बच्चा कोई आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ सकता है, आर्ट का बच्चा कोई भी जो साइंस का सब्जेक्ट है वो पढ़ सकता है। तो ये इसमें कुछ चेंजेस दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें क्या कहा है कि 6ठी से ही कोडिंग और वोकेशनल कोर्सेज का भी शुरू हो जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज क्या होंगे, जिसमें जैसे ट्रेनिंग वगैरह के कोर्सेज हैं, और कोडिंग यानी कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, कोडिंग डिकोडिंग, तो जिसमें क्या होता है कि आप जो कंप्यूटर की भाषा है, कोडिंग की भाषा है, C++ की भाषा, जावा की भाषा, ये बच्चों को 6ठी से ही सिखाने शुरू कर दिए जाएंगे। और जो भी वोकेशनल कोर्सेज हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे कि वो सभी क्या हैं, वो बच्चों को छोटी कक्षा से ही 6ठी से, यानी कि जो 5+3 के बाद का जो पैटर्न होगा, ये पैटर्न होगा, इसमें क्या है इसको पढ़ाया जाएगा। शिक्षा में क्या है, अब GDP का कितना परसेंट खर्च होगा, 6% खर्च होगा। अभी तक क्या है, बहुत कम, इसमें 2-3% के आसपास का जो खर्च है वो शिक्षा के ऊपर लगाया जाता था, लेकिन अभी जो मोदी सरकार ने नई ये शिक्षा नीति लेकर आए हैं, इसके बाद इसमें क्या है, तकरीबन 6% का इसमें जो खर्च है वो GDP का खर्च वो इसमें यूज किया जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, यानी कि इसमें जो न्यूज़ ये फॉर्मूला है 10+2 का, इसमें क्या होगा, 12वीं तक की अब कुल 15 साल लगेंगे, 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग भी होगा उसमें, और 12 साल क्या होगा, स्कूल शिक्षा होगी। अभी तक क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा, हम पहले पढ़ते थे, हम 90s के जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे क्या होता था, सिंपल 1st से लेकर के 12th क्लासेज होती थी, उसके बाद धीरे धीरे प्री प्राइमरी, LKG, UKG ये जुड़ने शुरू हो गए थे। और अभी इन्होंने क्या कर दिया, दोबारा से एक पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। इसमें क्या होगा, अभी जो प्री स्कूलिंग होगी, 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग जिसमें कहते हैं, जो प्राइमरी हो गया, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, LKG, UKG, तो इस तरह से होंगे, और उसके बाद 1st से लेकर के 12th का होगा पैटर्न, वो अलग होगा। तो इसमें ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है, इसमें अभी जो इसको ये पॉइंट दिए गए हैं आपको, इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, जो हेडलाइन शुरुआत से देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति होगी वो किस क्षेत्र से लागू होगी, इस बारे में आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो आज यानी कि कितनी तारीख है, आज 30 तारीख है, ये न्यूज़ हमें कल मिली थी देखने को, कल आज के न्यूज़पेपर में ये आई है। तो ये कल बुधवार को ये नई शिक्षा नीति की सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है। तो इसके बदले क्या होगा, 10+2 का फॉर्मूला हटा करके 5+3+3+4 का ये पैटर्न डाला जाएगा। कैसे डाला जाएगा इसका देख लेते हैं, यहाँ पे दिखा गया है, इसमें लिखा गया 3 साल की आंगनवाड़ी होगी या प्री स्कूलिंग कह सकते हैं इसको। प्री स्कूलिंग क्या ऐसे होती है, जैसे LKG UKG होती है उसमें होगा है। तो इस तरह से क्या है, इसको 5-3-3-4 में कैसे बांटा गया है, 3 साल की प्री प्राइमरी प्लस फर्स्ट और सेकेंड क्लास, उसके बाद 3 साल का ये टाइम पीरियड होगा, इसमें क्या होगा, 3rd 4th और 5th। तो इस तरह से ये क्लासेज वगैरह बांटी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें पहले वर्ग में क्या होगा, 3 से 6 साल के छात्र होंगे, इन्हें क्या किया जाएगा, प्री प्राइमरी से लेकर के दूसरी कक्षा तक की क्या है, शिक्षा दी जाएगी। तो जो पहला ये 5 है, 5 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे
जो 5 का मतलब हो गया कि प्री प्राइमरी से लेकर के सेकंड क्लास तक के बच्चे होंगे, उसमें 3 से लेकर के 6 साल के छात्र आएंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया 3। तो 3 किसके लिए हो गया? 3 हो गया हमारा जो दूसरी कक्षा के ऊपर, दूसरे वर्ग में क्या आ गया, तीसरी से लेकर के 5वीं तक का पाठ्यक्रम होगा। इसमें भी ये पाठ्यक्रम वगैरह भी क्या कुछ नया लाया जाता है इसके बारे में भी हमें देखने को मिलेगा आज, नोटिफिकेशन जो भी जारी हो सकती है उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे थ्री है, तो 3 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे तीसरी से लेकर 5वीं हो गया, उसके बाद हो गया 6ठी 7वीं 8वीं, तो तीसरे वर्ग में कौन से आ गया, 6ठी से लेकर के 8वीं के जो बच्चे हैं उनके पाठ्यक्रम के ऊपर इसके ऊपर आ गया है ये पैटर्न। और जो लास्ट का 4th बच गया, अभी तक क्या होता था कि 9th 10th का अलग होता था और 11th 12th का क्या है, 11th 12th में आपके लिए स्ट्रीम्स वगैरह आपको अलग डिसाइड करनी होती थी, अभी इन्होंने क्या कर दिया, 9th से लेकर के 4th वर्ग में क्या हो गया है, 9वीं से लेकर के 12वीं छात्र तक के हैं सारे छात्र आ जाएंगे इसमें, तो 4th वर्ग में ये नए छात्र आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, छात्रों को कई विषयों के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी ध्यान दिया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर का मैंने बताया था, वोकेशनल कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए जाएंगे। तो इस तरह से जो इन ये जो मेन प्रैक्टिकल नॉलेज के सब्जेक्ट हैं उनको भी साथ में जोड़ जाएगा। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या रखा है, इसमें एक वो भी बता रखा है, इसमें छात्रों के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ साथ जो दोस्त हैं वो भी आपस में असेसमेंट वगैरह कर सकेंगे। इसके ऊपर क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी नया जो करिकुलम होगा उसमें छात्रों का असेसमेंट 3 स्तर पर होगा। 3 स्तर कैसे हो गए, पहला स्तर कौन सा हो गया, छात्र खुद असेसमेंट करेंगे कि मुझे क्या इसमें क्या कुछ कमी है मेरे सब्जेक्ट में, या इस विषय को मैं किस तरह से क्या है बढ़ा सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। दूसरा कौन करेगा, उसके साथी भी असेसमेंट करेंगे। और तीसरा क्या करेगा, जो अध्यापक हैं वो असेसमेंट करेंगे। और जो 12वीं पास करते समय पूरी स्कूली शिक्षा का असेसमेंट क्या होगा, AI की मदद से तैयार होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो शिक्षा है स्कूली शिक्षा है उसका जो एक तरह से पूरा उसका रोड मैप है, वो असेसमेंट है, वो तैयार किया जाएगा। अभी छात्रों से इंटर्नशिप क्या है, ताकि शुरू से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाए। जैसे कि आपने देखा होगा जो विदेश होते हैं उन्हें 5वीं 6ठी से ही क्या है उनके लिए जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, भाई किसी को कारपेंटर बनना है, किसी को क्या है मतलब बिजली के विभाग में जाना है, ITI करनी है, तो उस तरह से मतलब क्या है जो टेक्निकल नॉलेज है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सभी जो 6ठी से ही क्या है बच्चों के स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से इसी तरह की नीति आपके लिए लेकर आई जाएगी, तो ये नई नीति इसमें लाया जाएगा और 6ठी से ही क्या है इंटर्नशिप का कार्यक्रम है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें क्या है 3.5 करोड़ की है नई सीटें इसमें लाई जाएंगी, ताकि उच्च शिक्षा से जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो जुड़ सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन का जो एक तरह से हमारा राइट है वो ज़्यादा तक पहुँचाया जा सके। तो इसमें ये कहा गया है कि नौकरी जो करेगा अगर मान लो कोई, तो उसके लिए नौकरी में क्या है छूट कर दी जाएगी, और इनको क्या है रिसर्च में जाने के लिए 4 साल का डिग्री का प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम ले सकते हैं, जिसको रिसर्च में जाना है भी, जिसको क्या है कि मतलब मान लो 3 साल की जो डिग्री करके जो नौकरी में जाना चाहता है वो नौकरी में जा सकता है, और अगर जिसको रिसर्च में जाना है तो उसके लिए 4 साल का डिग्री का प्रोग्राम हो जाएगा। जो MPhil है, MPhil की जो डिग्री है एक तरह से उसको क्या है खत्म कर दिया जाएगा, MA के साथ साथ क्या है MA के साथ ही जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है उसके बाद PhD सीधा कर सकेंगे जो रिसर्च में जाना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप कैसे कहा गया है इनको, जो हमारा इंटर्नशिप का जो क्या है छात्रों को मनपसंद विषय चुनने के लिए क्या किए जाएंगे, विकल्प दे दिए जाएंगे। आर्ट साइंस हो गया, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, व्यावसायिक्स हो गया, शैक्षणिक विषय हो गया, उनके बीच अंतर नहीं होगा, यानी कोई भी ये नहीं होगा कि भी ये आर्ट का बच्चा है ये साइंस का बच्चा है, तो सभी के लिए 12th क्या है एक ही स्ट्रीम होगी, कोई स्ट्रीम का वो नहीं होगा। जो आर्ट वाले सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वो आर्ट पढ़े, उसके साथ साथ अगर वो साइंस के पढ़ना चाहता है तो साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। और ये 6ठी कक्षा से क्या हो जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी, कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी, तो इसमें इंटर्नशिप वगैरह भी साथ में दी जाएगी। अभी क्या होता है कि जो कॉलेज में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहाँ पे वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह दी जाती है, तो ये बाद में दी जाती है कॉलेज के बाद, कॉलेज पास आउट के बाद, अभी ये 6ठी से ही देनी शुरू कर दी जाएगी। तो 21वीं सदी में क्या है, ये भारत की पहली शिक्षा नीति है, भारत ने 34 साल बाद अपनी शिक्षा नीति बदली है। इससे पहले कौन, जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उन्होंने 1986 में जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव किया था, तो उसके नीति के जो फैसले हैं शिक्षा नीति के बारे में जो फैसले हैं वो बैठक में फैसले हुए उनकी जानकारी देते हुए जो केंद्रीय मंत्री कौन, अभी रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ये भी आपको क्या है ये फैक्ट आपको बता दिया मैंने कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो कौन, अभी रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी क्या है GDP का जो 4.4% अभी खर्च हो रहा है, तो इसको अभी बढ़ा करके 6% कर दिया जाएगा। और जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदल करके भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो ये भी एक क्या है काफ़ी स्टार मार्क कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, क्वेश्चन में आ सकता है कि जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है।
अभी इसमें लास्ट देख लेते, साइंस के साथ इतिहास भी पढ़ सकेंगे। तो नई शिक्षा नीति के तहत क्या होगा, साइंस के छात्र या इतिहास या आर्ट के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे। अगर छात्र को इसमें दिक्कत होती है तो सब्जेक्ट ड्रॉप भी कर सकते हैं। भी मैंने अगर मान लो उसने कहा जाए कि मैं मतलब क्या हिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहता हूँ साथ में, लेकिन उसको समझ नहीं आया बात में दिक्कत होगी, तो उसको ड्रॉप कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कंपलसरी वहाँ लेना ही होगा। लेकिन पढ़ाई पूरी होने पर मुख्य सब्जेक्ट यानी आर्ट या साइंस संकाय के आधार पर डिग्री मिलेगी। तो अगर मान लो कोई ये है कि भी उसको मतलब आर्ट का सब्जेक्ट है, आर्ट का सब्जेक्ट लेना है उसको साइंस के बच्चे को, तो उसकी क्या है, उसको आर्ट का सब्जेक्ट अगर वो मान लो नहीं पढ़वाता तो उसको ड्रॉप कर सकता है। लेकिन जो मतलब साइंस के सब्जेक्ट है उनके, वो उसको पूरे करने पड़ेंगे और उसकी ही डिग्री उसको मिलेगी। नई शिक्षा नीति में क्या है, यह बात अहम है कि अब छठी से कक्षा से वोकेशनल जो कोर्सेज हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कोर्सेज का है काफ़ी जो काम धंधा है वो शुरू करना चाहते हैं जो बच्चे 12वीं के बाद, उन्हें अप्रेंटिस से मिले जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका भी फायदा होगा, और जो इंटर्नशिप वगैरह है जो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी वहाँ पर साथ में हो जाएगी। तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी, जो मतलब 10+2 का जो फॉर्मूला है वो खत्म कर दिया गया है, और 5+3+3+4 क्या है ये पैटर्न हमें ला दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 क्या हो गया जो प्री प्राइमरी से लेकर के सेकंड क्लास तक के बच्चे, उसमें इसमें 3 क्या हो गया, अभी जो 3 है वो है सेकंड से लेकर के 5th, जो अगला 3 है वो क्या है 5th से लेकर के 6th से सॉरी, और जो हमारा लास्ट का बच गया 4 का मतलब हो गया 9th, 10th, 11th और 12th। तो ये सभी क्या है, ये नई शिक्षा नीति है, इसके बारे में एक बार आप डिटेल में देख लीजिए। ये मैं आपको जो न्यूज है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे अभी। तो चलिए आज का ये वीडियो है, हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।